नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए नॉलेज साथ फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, बहुत से भाइयों का कमेंट था कि आप जो है रिमोट पे वीडियो बनाओ, रिमोट काफ़ी ख़राब होता है। तो आज दोस्तों इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आज की डेट में हर घर में रिमोट का यूज होता है, हर घर में, चाहे वो टीवी हो या डीटीएच हो या एसी हो या सीसीटीवी कैमरा हो, जो भी हो, तो हर चीज़ में जो है रिमोट यूज होता है दोस्तों। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप अंत तक ज़रूर देख लेंगे तो मेरा ये गारंटी है कि खुद से रिपेयर कर सकते हैं, कहीं कोई शॉप में जो है जाने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रिमोट में कुछ होता नहीं है, और ख़राब जो होता है दोस्तों, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है, बस समझने का फेड है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला जो होता है दोस्तों कि रिमोट जो आपका ख़राब है या नहीं, वो चेक करना है कि रिमोट ख़राब है या नहीं। तो चेक करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है। तो कोई भी आपके पास तो कैमरा फ़ोन तो कोई होगा ही, इसमें कोई दाग नहीं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो आपको करना क्या दोस्तों कि जो है दोस्तों, रिमोट में बैटरी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कैमरा ओपन करके। देखिए दोस्तों, अभी बैटरी तो है नहीं दोस्तों, जैसे कोई भी बैटरी जो इसे लगा दिए हम, ये दोस्तों, ठीक है, ये बैटरी लगा दिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ये कैमरा को दोस्तों ओपन कर लिए, ठीक है दोस्तों, कैमरा को ओपन कर लिए। बस जो है इसको देख लें दोस्तों, ये जल रहा है ना, ये जल रहा है। मगर दोस्तों, इसमें कहना, कस्टमर कहना है दोस्तों कि कभी भी छोड़ देता है। और दोस्तों देखिए, कस्टमर इसमें बीमारी क्या क्या आता है दोस्तों, कोई भी रिमोट में होता क्या है कि सबसे पहले बीमारी आता है कि गिरने से हो जाता है या दबने से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आप एक बात का और भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कभी कभी होता क्या रिमोट का दोस्तों, ये बटन जो है दोस्तों दब के अंदर में धस जाता है, मतलब फंस जाता है। ये जो है दोस्तों, यहाँ ऐसे जो है दोस्तों फंस जाता है, उसके कारण जो दोस्तों कोई भी बटन जो है काम नहीं करता। ये देखिए दोस्तों, है ना, जैसे यही रिमोट है या कोई भी रिमोट हो, उसका जो है बटन अंदर में घुस के धस जाता है, तो इसमें आपको काम नहीं करता। जैसे देखिए दोस्तों, ये भी है ना, अंदर एक कोना धसा हुआ, तो ये शॉर्ट हो गया, अंदर में जो है शॉर्ट हो गया है। तो ये भी देख सकते हैं, इसके कारण भी प्रॉब्लम आता है। और जो भी दोस्तों आपको बता रहे हैं वो आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं रिमोट रिपेयर करता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इससे आपका 110% आपका जो भी प्रॉब्लम है सारा ठीक हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर उसमें भी अगर नहीं हो तो हमें कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका काम नहीं कर रहा है ये रिमोट, कैमरा में तो चेक कर लेंगे, अगर काम नहीं कर रहा तो इसको सबसे पहले खोलना है आपको। खोलने से पहले कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं दोस्तों। देखिए होता है क्या दोस्तों, ये जो बैटरी है दोस्तों, ये पहले जंग लग जाता है। आप एक बार बैटरी नया लगा के देख लें, ठीक है, डायरेक्ट आपको ओपन नहीं करना है, बैटरी लगा के नया देख लें कि काम कर रहा है नहीं, या नहीं तो बैटरी पुराना भी है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों होता है कि कार्बन लग जाता है, है ना दोस्तों, इसमें कार्बन लग जाता है या इसमें कार्बन लग जाता है। थोड़ा सा ब्लेड से या किसी धार वाला, ठीक है, सामान से दोस्तों उसको साफ कर लें, फिर लगा के देखें। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों, तो आपको इसको खोलना पड़ेगा। दोस्तों खोलना है कैसे दोस्तों, बस कोई भी चिमटा से या किसी चीज़ से दोस्तों इसको खोलना है। देखिए दोस्तों, आराम से खोलना है, ज़्यादा भार नहीं देना दोस्तों, खुद हाथ, अगर नाखून है दोस्तों तो खुद से खोल भी सकते हैं, तो अपना सेफ्टी से ही खोले दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो रिमोट है दोस्तों, देखिए दोस्तों होता क्या है इसमें, सबसे पहले अगर काम नहीं कर रहा है या छोड़ता पकड़ता है रिमोट, तो आपको करना क्या है दोस्तों कि जैसे इसको तो निकाले आराम से, है ना दोस्तों, ये निकल गया आपका, ये आपका निकल गया दोस्तों, ये किट बाहर आ गया। अब होता क्या दोस्तों कि इसमें जो है सबसे पहला जो है, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर है दोस्तों, ये आपका जो है इसको चेक करना है हिला के दोस्तों, आपका सही से काम कर। देखिए दोस्तों, ये जो दोस्तों देखिए हिल रहा है, आप थोड़ा सा फोकस कीजिए दोस्तों, ये जो है आपका हिल रहा है ना दोस्तों। तो कस्टमर का भी कहना है कि ये जो है कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो इसको सोल्ड कर देंगे दोस्तों, ये तो फिर ठीक है, इसको भी सोल्ड कर देंगे तो ये आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। उसके बाद होता है कि अगर मान लीजिए इस दोनों में जो सोल्डिंग कर दिया अच्छे से, ठीक है, तो ये जो LED है दोस्तों, जिसको IR सेंसर बोलते हैं, है ना दोस्तों, तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसको भी जो हिला के चेक करना है। अगर ये दोनों ठीक है दोस्तों, तो इसको भी चेक करना है दोस्तों, इसको हिला के, अगर हल्का भी हिल रहा है दोस्तों, तो आप इसमें सोल्डिंग करेंगे। अगर ये तो हिल नहीं रहा दोस्तों, मगर इसको खोलें तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। अगर ये हिल रहा है दोस्तों, तो देखिए ये दोनों जो ब्लू है ना दोस्तों, ये जो है आपका एक ही प्रिंट है दोस्तों, फड़ा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इसके बगल में जो दोस्तों आराम से जो दोस्तों इसको जो है, इसका प्रिंट को जो दोस्तों, जो पेंट ऊपर में चढ़ा हुआ है दोस्तों, इसको हटाएंगे और आराम से दोस्तों इसको सोल्डिंग कर देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल पे। और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ क्या नहीं, और कैसा वीडियो लगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ये हिल रहा है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जो है मैंने सोल्डिंग कर दिया है, और ये तो दोस्तों हिल ही रहा है, तो इसको अच्छा से दोस्तों हम सोल्डिंग कर देते हैं।
हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब होता क्या है, किसी किसी का बटन में भी हल्का फुल्का जो है बोलता है काम नहीं करता है। तो इसको जो दोस्तों अच्छा से जो है क्या करना है आपको, कोई कपड़ा से जो है दोस्तों सूती कपड़ा से अच्छा से साफ़ कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर सूती कपड़ा नहीं है दोस्तों, अगर है भी कोई दिक्कत नहीं है, तो रबड़ है ना दोस्तों, रबड़ से भी हल्का हल्का आप इसको साफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। रबड़ जो आपके पास तो हर घड़ी में बच्चा यूज़ करता है दोस्तों, उसे भी साफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, तो ये अच्छा साफ़ हो जाएगा। और कभी कभी होता क्या दोस्तों, ये कंडेंसर है ना दोस्तों, ये कंडेंसर जो है, ये कंडेंसर दोस्तों, इसके कारण भी क्या होता है कि रिमोट काम करना बंद हो जाता है। मैंने देखा है, होता है कि ड्राई सोल्डर होता है, हो जाता है, इसके कारण जो है आपको फिल्टर नहीं कर पाता है, तो जो है काम नहीं करता, या काम करता है तो बहुत धीमी काम करता है, रेयर केस में हल्का हल्का काम करता है। तो दोस्तों दोस्तों इतना सब चीज़ करने के बावजूद भी अगर आपका रिमोट ठीक नहीं हो, तो लास्ट उपाय ये जान लीजिए दोस्तों, ये IR सेंसर जो है दोस्तों, इसको आप चेंज कर दें। मतलब कोई भी रिमोट है ना दोस्तों, उसका LED खोल के आप इसको लगा दें। ठीक है, जैसे खोलिएगा वैसे लगा दीजिएगा, तो बस आपका ये 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और तो इसमें कुछ रहता नहीं है दोस्तों, और उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और ये ज़रूर कमेंट करें कि हम किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, कमेंट में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।